दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा था, चेहरे की हंसी से अपने दुखों को छुपाओ और बोलो बहुत कुछ, मगर अपने राज किसी को मत बताओ। दुनिया में 90% पीछे धकेलने में हाथ उनके अपनों का होता है, दुश्मनों का नहीं। जब भी आप किसी से मिलो तो आप दिमाग को अलर्ट रख के मिला करो, देखा करो कि कौन आपके साथ कितना मुखलिस है, कौन आपको क्या दे रहा है, कब तक दे रहा है और क्यों दे रहा है। दोस्त, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, और कभी कभी हम खुद भी। इस छोटी सी जिंदगी से एक सबक ये मिलता है कि रिश्ते तो सबके साथ रखो, मगर उम्मीद किसी से मत रखना, क्योंकि धोखे ऐसे ही नहीं मिल जाते, लोगों का भला करना पड़ता है। और आप जब भला करते हो तो वापसी की उम्मीद रखते हो, बस उस उम्मीद को छोड़ो और अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ो। आप अपने ख्वाबों के पीछे जब इतना भागो कि लोगों को आपसे मिलने का ख्वाब बन जाए, आप इतने कामयाब इंसान बन जाओ कि लोग आपको देखकर आपके पीछे चले और आपके हर वक्त पे इंतज़ार करें। करोड़पति बनना है, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्त, बस तुम्हें मेहनती बनना पड़ेगा। और इसके बाद आपको जब मेहनती बनोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा, आप हर काम कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन अच्छा ही हो, मगर हर दिन हम कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी ये भी नहीं है कि फ्री बैठ जाए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। बुरे वक्त के सबसे अच्छी बात ये है कि एक जैसा नहीं रहता, ये गुजर ही जाता है। और दोस्त, आपको कुछ ना कुछ ये सिखा ज़रूर जाता है, बुरा वक्त आपको कुछ ना कुछ सिखा जाता है। लेकिन इससे पहले पहले बुरा वक्त आए, आप कुछ ना कुछ पहले ही सीख जाएं। जो भी तुम्हारा गोल है उसके बारे में पूरी तरह समझो, सोचो और फिर प्रैक्टिस करो और सीखते जाओ। ये बस यही कामयाबी का राज है। अगर इंसान ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर वही इंसान खुद को कमज़ोर मान ले तो फिर उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप हर काम कर सकते हैं जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी नस्ल को ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, इसलिए खुद को कभी कमज़ोर मत समझना। उठो, मेहनत करो और तब तक करो जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते। और इसके साथ साथ मुझे अकील अकरम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।